और मेरे भाई ये क्या हाल चाल है यार। आज की इस वीडियो मैं स्वयं तुम लोगों को कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि सारी लड़कियाँ तुम्हारी इज्जत करने लगेंगी। मतलब यार हाँ सारी लड़कियाँ, क्योंकि यार कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुम इग्नोर करते हो फिर लड़कियाँ भी तुम्हें इग्नोर करने लग जाती हैं, तुम्हें हल्के में लेने लग जाती हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेंगे स्कूल में, क्योंकि यार मैक्सिमम जो मेरी वीडियोज देखते हैं वो स्कूल में लड़के पढ़ते हैं एंड उन्हें इंप्रेस करना रहता है अपनी फ्रेंड को, अपनी क्रश को। तो वो कैसे इंप्रेस करेंगे, मान लो कि यार तुम्हारे पास किसी लड़की का नंबर है, जैसे लाइक तुम उसे इंप्रेस करना चाहते हो फोन पे, तो तुम्हें क्या करना है ना, जैसे कि कई बार उस लड़की का मैसेज आ रहा है तो तुम यूं मत करो कि जैसे मान लो कि मेरे पास किसी का मैसेज आया और जैसे ही उसका मैसेज आया तुरंत मेरा यहां से रिप्लाई चला गया, और हां क्या कर रही हो, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, मतलब उस उधर से एक मैसेज आया और इधर से 50 मैसेज चले गए। अगर तुम इस टाइप के मेंटालिटी वाले बंदे हो तो भाई तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि यार ऐसे ना वो लड़की कहेगी अबे यार अब तो ये चेप ही हो गया, मैंने थोड़ा इसका हाल चाल क्या पूछ लिया, ये तो पीछे ही पड़ गया। तो इसलिए फिर ना लड़की जो है ना वो बार बार तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। अगर चाहते हो इग्नोर ना करें तो जैसे ही उसका मैसेज आ रहा है तुम भी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद आधे घंटे बाद उसको थोड़ा सा मैसेज कर दो। थोड़ा सा मैसेज करना भी ये नहीं कि आधे घंटे बाद करो लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है भाई। एक दो मैसेज तुम भी उसे कर दो आधे घंटे बाद, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आज है लड़कियों की हर बात पे हाँ करने वाले। जैसे लाइक तुम ही हो या तुम्हारे घर पे कोई ऐसी तुम्हारी क्रश आई हुई है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो किसी से एक बात कह रही है, जैसे लाइक यार तुम्हें पता है हाथी के दो पंख होते हैं, तो यार बाकी सब तो ना करेंगे लेकिन यार तुम्हें वो पसंद है तो जरूरी नहीं कि तुम उसकी बात पे हाँ ही कर दो। हाँ हाँ सही में दो पंख होते हैं, इसने कहा तो होते ही होंगे। अबे साले ऐसी बात नहीं करनी है भाई तुम्हें। अगर वो कुछ गलत भी बोली और तुम्हें लग रहा है कि वो वाकई में गलत है तो भाई तुम्हें उसको गलत बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अगर तुम उस लड़की की हर बात पे हाँ करने लगोगे ना तो भाई लड़की कहेगी यार ये तो मेरा चमचा, यार ये तो हर बात पे हाँ कर देता है, फिर वो ना तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, वो तुम्हें अपना चमचा जैसे ट्रीट करने लगेगी, जो कि भाई ज्यादा गलत हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि वो जो तुम्हारी क्रश है वो तुम्हें अपना चमचा ना बना के अपना बॉयफ्रेंड बनाए तो इसकी कई बातों कुछ बातों को काटना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये भी नहीं कि भाई हर बातों को काटना स्टार्ट कर दो, नहीं तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से हटाने लग जाएगी कि यार जब भी देखो ये मेरी बातों को काटता रहता है, मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तुम्हें लगे कि हाँ यार ये लड़की गलत है तो गलत बोलो, जहां लगे कि हाँ भाई सही है तो सही बोलो, जो कि ज्यादा अच्छा लग सकता है, लड़की को भी लगेगा हाँ भाई मतलब इसके अंदर दिमाग तो है, जो सही है उसको सही बोलता है, जो गलत है उसको गलत बोलता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है जो तुम्हारी क्रश है उसके बेफालतू के जोक्स पे हंसना। अब देखो यार मान लो कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों पर हंसी नहीं आती है, लेकिन यार अब तुम्हारे यहाँ पे अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई तुम्हारी क्रश है वो तुम्हारा कुछ जोक भी बोल रही है, मतलब तुम्हें बोल रही है पर्सनली, तो तुम हंस सकते हो उसका मन रखने के लिए, लेकिन अगर ग्रुप में बोल रही है बाकी ग्रुप में लड़कों को किसी को हंसी नहीं आ रही सिर्फ तुम्हें को हंसी आ रही है, तो भाई तुम पागल कहलाओगे उस ग्रुप में और लड़की की नज़रों में तो पागल कहलाओगे, यार ये तो सालों में से कोई भी नहीं हंस रहा सिर्फ मैं ही हंस रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ना तुम्हें बेफालतू के जोक्स पे भी नहीं हंसना, हाँ जहाँ हंसने वाली जगह आए हंसने वाली बात है तुम वहाँ पे हंस सकते हो, एंड बेफालतू का भी हंसना नहीं है। जैसे लाइक तुम्हारी जो क्रश है वो तुम्हें पसंद आ रही है फिर भी तुम उसे दूर से देख के हंसे जा रहे हो, तो लड़की कहेगी भाई साला पागल वागल है क्या, क्यों हंस रहा है भाई, मैंने कुछ गलती पहन ली क्या या कुछ गलती उल्टी सीधी हरकतें कर दी। लड़की वो हमेशा सोचने लगेगी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगी उसके माइंड में, फिर वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। इसीलिए बेफालतू के जोक्स पे या बेफालतू की बातों पे हंसना बंद करना पड़ेगा तुम्हें उसके सामने। एंड बाकी अगर तुम्हारा मन है हंसने का तो भाई तुम कमरे में लॉक हो जाओ और उसके बाद जितना हंसना है जैसे हंसना है लोट फोट के हंसना भाई तुम हंस सकते हो। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है कि यार उस लड़की को हद से ज़्यादा टाइम नहीं देना। कुछ लोग क्या होते हैं तुम्हारी मान लो कि पहले जब अगर तुम्हारी क्रश है तो तुम उसे पहले फ्रेंड रिलेशन में लाओगे फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड रिलेशन में लाओगे ना, तो मान लो तुम्हारी फ्रेंड ही है, मान लो तुम्हारी क्रश है वो पहले तुम्हारी फ्रेंड बन गई और तुम्हारी फ्रेंड है वो तुम्हें बोल कि यार सुनना आज मुझे यहाँ पे मिलना तू 4 बजे, तुम सीधा उसे बोलोगे हाँ फ्रेंड कहाँ मिलना है, अच्छा यहाँ पे मिलना है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, और जैसे ही तुम गए क्या पता कि भाई वो आई नहीं, तुमने 10 मिनट वेट किया, 5 मिनट वेट किया, 15 मिनट वेट किया, आधा घंटा इंतजार किया। अब ये नहीं कि भाई उधर 1-2 घंटे इंतजार ही कर दो, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मैं अगर दिल से बताऊं ना तो मैं ऐसा इंसान हूं कि कोई भी लड़की मेरे कितना क्लोज क्यों ना रहे भाई, लेकिन मैं उसे हद से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मेरे को कहीं उसने बुलाया तो मतलब मैं तो ये कह देता हूँ कि भाई मैं नहीं आ सकता, मतलब मेरा ये काम है वो काम है ये काम फंस रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मतलब थोड़ा सा इग्नोर मारना भी जरूरी होता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर बाय इलेक्शन तुम कभी जा भी रहे हो, अगर मैं कभी जाता भी हूँ ना तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आ गया जल्दी से आ जाओ, और वो अगर नहीं भी आते तो भाई मैं 10 से 15 से 20 हो जाएगा यार, लेकिन फिर उससे ज़्यादा मैं नहीं इंतजार कर सकता भाई, और उसके बाद वो कभी बुलाए भी ना तो शायद ही मैं जाऊँ जब तक वो अच्छे से ना गिड़गिड़ाए मेरे सामने। तो मतलब थोड़ा सा ना लड़की को भी झुका के रखना जरूरी होता है रिलेशनशिप में। अब ये नहीं कि भाई हमेशा तुम्हें कुत्ता बना रहो, दूसरों को भी मतलब सामने थोड़ा मौका दिया करो यार कि झुकने का, जो कि ज़्यादा सही रह सकता है, इससे जो तुम्हारी रिलेशनशिप है ना वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा ऊपर उठेगा ना ज़्यादा नीचे उठेगा, मेंटेन रहेगा, तो तुम्हें मेंटेन करना सीखना होगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे कुछ यही टिप्स बताने थे तुम लोगों को, एंड आशा करता हूँ तुम लोगों को ये टिप्स जो है ये अच्छे समझ में आई होंगी।
अगर तुम लोगों ने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो भाई चाहे तुम्हारी रिलेशनशिप में कोई लड़की आ रही है, चाहे तुम्हारे स्कूल में कॉलेजेस में कोई भी तुम्हारी क्रश है भाई, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाली है। एंड वाकई में मैं बोलूँ ना तो भाई मैंने इसे ट्राई किया है एंड भाई वाकई में इज्जत मिलती है भाई। अगर तुम्हें इंतजार नहीं है या तुम्हें विश्वास नहीं है तो यार तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो भाई, जो कि ज़्यादा अच्छा तुम लोगों के लिए रिजल्ट रह सकता है। तो बस मुझे इस वीडियो में तने बताना था। अगर तुम इस वीडियो में इस टॉपिक्स में कुछ भी ना समझ में आए हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं तुम लोगों को जरूर देने वाला हूँ। एंड कर देना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, मिलता है ऐसी मस्त एक्साइटिंग एंड अमेजिंग वीडियोज इसके साथ में। बाय बाय।